सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन सबको जय यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसे प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की शिक्षा देते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है एक क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। क्रिस्तीय जीवन क्रिस्तीय मूल्यों से सिद्धांतों से भरपूर है और प्रभु ने हमें बहुत सारी शिक्षा हमें प्रदान की सफलतम जीवन बिताने की, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत करते हुए जीवन बिताने की, एक दूसरे के साथ शांति का भाईचारे का व्यवहार करते जीवन बिताने की शिक्षा हमें प्रदान की है। उसी शिक्षा के बारे में आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को याद दिलाते हैं और बुलाते हैं कि हम सभी इस प्रभु के मूल्यों के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। जब जब हम लोगों ने इस प्रकार का जीवन नहीं बिताया है, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के विपरीत जीवन बिताया है, एक दूसरे के साथ मन मुटाव रखा है, भेदभाव रखा है, गुस्सा रखा है, जलन की बात, ईर्ष्या की बात रखी है, गुस्से के बदले की बात रखी है, उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें और विशेष रूप से इसमें संबलिदान में हम लोग प्रार्थना करें कि हमें क्षमा देने की और क्षमा पाने की कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए इसमें संबलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभुवर दया करो हे कृष्ण।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है, तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ क्रूंतियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 1-10 तक। हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुधि ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सेवा कार्य पर कलंक लगे, हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम पर हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इसराइल के घराने की सुधि ली है। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष, आलेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेघार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़ो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है। अभी कुछ देर प्रभु के वचनों पर हम सभी मनन चिंतन करें। प्रभु सुसमाचार में मुख्य रूप से हमें बताता है एक छोटी सी बात, जिस बात को हम समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें। प्रभु ने दूसरों को माफ़ी देने के सिलसिले में प्रभु ने कहा, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर एक थप्पड़ मारे तो क्या करना है? दूसरा गाल उसके सामने करना है। इस बात को आप मनी मन दोहराइए। प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल करने के लिए प्रभु ने बताया। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या कोई भी व्यक्ति किसी को दाहिने गाल पर थप्पड़ मार सकता है? सोचिए। उदाहरण के लिए राइट चीक, मेरा राइट चीक ये है, मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, वो जब मुझे मारेगा राइट पे मारेगा या लेफ्ट पे मारेगा? राइट में मारेगा। राइट में नहीं मार सकता, मेरा राइट हैंड है। मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं अगर उसको मारूंगा उसका लेफ्ट में मारूंगा, राइट में नहीं मारूंगा। राइट में मार ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता। प्रभु ने इसलिए बहुत सुंदर बात हमें सिखाई है। मान लो एक मिनट के लिए आप तर्क कर सकते हो, हम लेफ्टी हैं, लेफ्टी जब मारेगा वो भी राइट में नहीं मार सकता, वो भी राइट में नहीं मार सकता। तो प्रभु ने उदाहरण हमारे सामने क्यों रखा है? यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। प्रभु का कहने का तात्पर्य, प्रभु को मालूम था कोई भी व्यक्ति दाहिने गाल पर थप्पड़ मार ही नहीं सकता, चाहे कितना मर्जी आप कोशिश करो। वो बात अलग है, आप पलट के ऐसे उल्टे हाथ मारेंगे वो सब सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन नॉर्मली कोई भी व्यक्ति राइट चीक पर दाहिने गाल पर किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। तो प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु कहता है, हर परिवेश में जहाँ लड़ाई झगड़ा गुस्से मतभेद ईर्ष्या जलन की बातें जब आती हैं तो मन ही मन क्या आता है, एक प्रकार के बदले की भावना, तो हम भी बताएंगे, हम भी सिखाएंगे, इस प्रकार का एक ख्याल मन में आता है। तो प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा, दाहिने गाल में थप्पड़ मारने के उदाहरण के द्वारा प्रभु क्या कहता है? डोंट रिएक्ट बट ओनली एक्ट। जैसे मान लो मैं मारने गया, वो रिएक्ट हो गया। रिएक्ट एक प्रकार से नकारात्मक है, नेगेटिविटी है। तो प्रभु क्या कहता है? एक्ट। एक्ट मतलब अगर बाय चांस उसने मार भी दिया किसी भी प्रकार से उल्टे हाथ से, तो दूसरा गाल कर दो। दूसरा गाल करने का मतलब एक्ट करना, यानी कि एक सकारात्मक है, समथिंग पॉजिटिव, रेस्पॉन्डिंग विद पॉजिटिविटी। वेन वी रेस्पॉन्ड समवन विद नेगेटिविटी, इट नेगेटिविटी बिल्ड्स अप एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन। वेन वी रेस्पॉन्ड टू आवर एनिमी इन ए पॉजिटिव नोट, द रिवेंजफुल एटीट्यूड फिनिशेस देयर एंड देन, इट्स ओवर। सुंदर उदाहरण आपके सामने रखता हूं, छोटी सी बात से बड़ी बात हुई। विश्व युद्ध की शुरुआत
कैसे हुई? फर्डिनेंड नाम के एक व्यक्ति को मारा, जिसने मारा उसका बदला लेने के लिए उसको मारा इसको मारा, ये मारते 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 विश्व युद्ध हुआ, बाकी की कहानी आप सभी जानते हैं। कितने लोग मारे गए, एक व्यक्ति ने माफ नहीं किया, बदला लिया, और बदला आग की भांति पूरा विश्व युद्ध में बदल गया। इसलिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल में तप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो, डोंट रिएक्ट टू हिम बट एक्ट इंस्टेड। जब हम एक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी उसको देते हैं, वो युद्ध, वो गुस्सा, वो बदले की भावना वहीं के वहीं समाप्त, फिर एक बार नई शुरुआत होती है। और यही बात हमें सीखने की जरूरत है प्रभु से, प्रभु हम सबों से क्या कहता है, यही बात हमें सीखने की जरूरत है। एक बार हम प्रभु की शिक्षा को सीख जाएंगे कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, कितना आनंद आएगा, कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो लोग कोट करते हैं, प्रभु ने कहा मारने के लिए इसलिए मारा। अरे सही से पढ़ो क्या लिखा है, प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, राइट चेक में अगर कोई मारे, दाहिने गाल पर अगर कोई मारे तब, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि कोई भी राइट चीक में मार नहीं सकता किसी को। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। अब हम इसकी प्रैक्टिस ना करें, बहादुरी दिखाने के ना जाएं, बल्कि संदेश क्या है इस बात को समझें। प्रभु हमें बताता है डोंट रिएक्ट बट एक्ट, and acting is something positive, reacting is something negative, negative will bring about destruction, positive will bring about building up our personality. इसलिए प्रभु चाहता है हमारे जीवन का निर्माण करना हो तो हम लड़ाई झगड़े मतभेद ईर्ष्या बदले की भावना त्याग दें, जैसे प्रभु मसीह ने हम सबों को माफ़ किया है, उसे माफ़ी दें, माफ़ी लें, क्षमा करें। हर कोई व्यक्ति अपने आप में घायल है, कहीं ना कहीं दूसरों को घाव देगा अपने सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा। तो हम जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे अगला व्यक्ति घायल है, चोटिल है, इसलिए कुछ गलती कर दी, ओके, तो वहीं पर हम इस बात को समझें, उसको माफ़ कर दें, बात समाप्त, ये नई शुरुआत हो गई। अगर हम हर बात के लिए रिएक्ट करने जाएंगे, बात समाप्त तो नहीं होती कहीं पर, कभी भी समाप्त नहीं होती। मान लो किसी ने आपको, आपके बारे में किसी से और कुछ कहा तो आपको बता दिया, तीसरे व्यक्ति ने आके, पता है उस व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा, तो आप तुरंत मैं पूछने जाऊंगा, छोड़िए ना, क्या करोगे पूछने, आप प्रभु के हो। अगर किसी ने कुछ भी कहा जो आपने अच्छा कहा तो प्रभु को धन्यवाद दो, बुरा कहा प्रभु के हाथ में दो, छोड़ो। प्रभु कहता प्रतिशोध मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। तो हम प्रभु के बच्चे हैं, जैसे प्रभु हमें समझता है, माफ करता है, हमसे प्यार करता है, उन गुणों को हम अपनाएं, प्रभु के मनोभाव को अपनाएं, प्रभु जैसे बनने के प्रयास करें। बदले लेने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, नफरत करने वाले, ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं प्यार करने वाले, प्यार देने वाले, क्षमा करने वाले। हम भी क्यों ना बने, हम भी प्रयास करें। अच्छा है दूसरों को उदाहरण बताना, मदर तेरेसा ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, बहुत अच्छा है। कब तक हम दूसरों को उदाहरण देते रहेंगे, स्वयं एक उदाहरण बन जाए कितना अच्छा होगा। प्रभु से हम आशीष मांगें, कृपा मांगें, ताकि हम सुंदर जीवन बिताते हुए, क्रिस्तिया आदर्श क्रिस्तिया जीवन बिताते हुए दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। वही प्रभु हमारी मदद करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी ना विफल हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे वन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्य निराशा और घमंड से और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये परम प्रसाद है प्रभु का शरीर है, करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना।
परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना, यीशु हम सबों के जीवन में आए हैं, हमारे दिल रूपी घर में आए हैं, अपने जीवंत शब्द के द्वारा, जीवंत वचनों के द्वारा अनुभव करें। जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र संस्कार में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, वो हम सबों के दिल रूपी खेत, दिल रूपी घर में उपस्थित हैं, अनुभव करें। प्रभु को धन्यवाद दें, आज के दिन में फिर एक बार प्रभु ने हमें वचनों के द्वारा स्पर्श दिया है, प्यार का अनुभव दिया है। मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे घर में आए हैं। यद्यपि वास्तविकता में हमने प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण ना किया हो, विश्वास उस प्रभु को हम लोगों ने ग्रहण किया आज के दिन में, उस प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु में समा जाएं और प्रार्थना करें प्रभु से कभी अलग ना हो। प्रभु में हम बढ़ जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु पवित्र युक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है, यह तेरी कलिसिया में एकता का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। सृष्टि को पूरा फूलों की खुशबू से जिंदा।
शरीर